राज्य के अंदर आवागमन की हर सुविधा मिले, हर प्रकार से उनका यहाँ के देव दर्शन, यहाँ के हमारे धार्मिक स्थानों का, हमारे सीमांत क्षेत्रों का जो ऐसे हमारे पर्यटकों के लिए स्थान है, उन स्थानों पर आना जाना बहुत आसानी से हो, सहजता से हो, सरलता से हो, उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो हवाई सेवाओं की है। अभी आदरणीय ज्योतिरादित्य जी कह रहे थे कि देहरादून से यहाँ आना 11 घंटे, 11 घंटे तो तब हुआ जब ऑल वेदर रोडें बन गई, और उससे पहले तो लगभग 17 घंटे और कभी कभी 20 घंटे से भी अधिक का समय लग जाया करता था पिथौरागढ़ से देहरादून पहुंचने में, जहां आपकी पढ़ाई हुई। बहुत लंबा सफर, और एक दिन क्या 24 घंटे तक जो है लोगों को सफर में ही रहना पड़ता था। हम सब जानते हैं भाइयों बहनों, जौली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का पूरा प्रयास हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, ज्योतिरादित्य जी के निर्देशन में लगातार उस पर काम चल रहा है। पिछले वर्ष भी एक टर्मिनल का उद्घाटन आपने यहाँ पर आकर किया था, और अभी उस पर विस्तार का काम लगातार तेजी से चल रहा है। इसके साथ साथ जो पंतनगर का एयरपोर्ट है, उसके लिए जो राज्य सरकार की तरफ से जरूरी औपचारिकताएं हैं, भूमि का हस्तांतरण है, वो भूमि का हस्तांतरण भी हो गया है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया OLS का, उनके द्वारा OLS सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है। पूर्व में हमने जौली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के मध्य, जिसके बारे में अभी आदरणीय ज्योतिरादित्य जी ने यहाँ पर बताया, मध्य हेली सेवा की शुरुआत की थी, उसको भी नियमित करने की हमारी योजना है। निकट भविष्य में चिन्याली सोड़ो गोचर से छोटे एयरक्राफ्ट की सेवाओं को शामिल करने के संबंध में भी हम काम कर रहे हैं, लगातार हमारा प्रयास इस दिशा में चल रहा है। भाइयों बहनों, आप सबको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर जौलीकोंग, आदि कैलाश, पार्वती कुंड, इन स्थानों के दर्शन किए, उसके बाद जागेश्वर धाम के दर्शन किए, आप सबके मध्य आए, और उसके बाद उनके आने के बाद लगातार यहाँ पर पर्यटकों की जिज्ञासा और आने का उनका आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। चाहे वो आदि कैलाश हो, जागेश्वर धाम हो, इन स्थानों पर पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। जागेश्वर धाम में तो अभी इस समय भी काफ़ी श्रद्धालुओं की संख्या वहाँ पर हो रही है। आदि कैलाश के लिए भी, क्योंकि इस हवाई सेवा के शुरू हो जाने के बाद यह काम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, और केवल पिथौरागढ़ ही नहीं, पिथौरागढ़ के आसपास और यहाँ के लोगों को भी बहुत जो कठिनाइयाँ होती थी, उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के जो पर्यटक स्थल हैं, जो हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, ऐसे अनेक स्थान हैं, चाहे वो आज केदारखंड के अंदर चार धामों से जुड़े हुए स्थान हों, या मानसखंड के अंतर्गत आने वाले स्थान हों, उन सभी स्थानों को आज देश दुनिया के अंदर नई पहचान दिला रहे हैं, और उनके नेतृत्व में वो काम हो रहा है जो देश की आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। भूतो न भविष्यति, मुझे पूरा विश्वास है कि हवाई सेवा का संचालन जनपद पिथौरागढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के लोगों के सुविधाओं के लिए, उनके सफ़र आसान करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही साथ अभी चूंकि हमारे यहाँ पर हवाई सेवाओं में आदरणीय ज्योतिरादित्य जी लगातार हमारी बात को बहुत प्रमुखता देते हैं, हमारा भी हौसला और हिम्मत इसीलिए बढ़ती है कि हम जब भी उनसे कोई बात करते हैं, जब भी कोई निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो वो सहजता से लेकर अपनी प्राथमिकताओं में उसको रखते हैं और उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं। ये हमारा प्रोत्साहन भी होता है, हमारा हौसला भी बढ़ता है। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी जो ये सेवा 3 दिन के लिए शुरू हुई है, कंपनी फ्लाई वीक के लोगों ने मुझे बताया है कि 3 दिन के बाद 5 दिन का करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि नियमित रूप से सेवा चले, और जैसा अभी अजय टमटा जी कह रहे थे कि 42 सीटर भी यहाँ के लिए चलेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या है। ये चूँकि हमारा सीमांत क्षेत्र भी है, यहाँ पर सेना का भी, हमारे
पैरामिलिट्री फोर्सों का भी बहुत बड़ा केंद्र भी है, आना जाना है, केंद्रीय कर्मचारी हों चाहे राज्य के कर्मचारी हों, राज्य के जन हों, सभी का आवागमन लगातार रहता है। इसलिए सेवा निरंतरता से चलनी चाहिए और हमारा प्रयास होगा कि आज देहरादून पिथौरागढ़ की सेवा प्रारंभ हो गई है, आने वाले समय में हमारी पिथौरागढ़ से हिंडन की सेवा भी प्रारंभ करने के लिए हम प्रयास करेंगे। ज्योतिरादित्य जी से भी मैं अनुरोध करूंगा और साथ ही साथ जहां आप देहरादून हवाई अड्डे का विस्तार कर रहे हैं, लगातार आपके निर्देशन में प्रयास का काम चल रहा है, पंतनगर एयरपोर्ट का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अड्डा बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, पिथौरागढ़ भी जो है उस दिशा में उससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो रात्रिकालीन लैंडिंग है, नाइट लैंडिंग, उस नाइट लैंडिंग की सुविधा भी यहाँ पर हो जाएगी, तो आने वाले समय में किसी भी स्तर पर जब पर्यटन तेजी से बढ़ेगा, मानसखंड की यात्रा 12 महीने चलेगी, तो यात्रियों को बहुत आसान होगा, यहाँ के लोगों को भी बहुत आसान होगा। मैं आपका फिर से एक बार यहाँ पर सुदूरवर्ती क्षेत्र पिथौरागढ़ से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से, पिथौरागढ़ की जनता तरफ से आपका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हुए, और एक बार पिथौरागढ़ से जेवली ग्रांट एयरपोर्ट की मध्य नियमित सेवा प्रारंभ होने पर यहां पर उपस्थित सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं आपकी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे आज के इस बहुपयोगी हवाई सेवा के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के सिरमौर माननीय मुख्यमंत्री जी को, और साथ ही मैं गुजारिश करूंगा हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कि हरी झंडी दिखा करके इस सेवा का शुभारंभ करने की घोषणा करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के सिरमौर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन एवं इस्पात, एक नया इतिहास, एक नया आयाम लिखा गया है, तो आप लोग की तालियां बनती है, जोरदार तालियां, हम सब साक्षी हैं इस पल के, एक नया आयाम आज पिथौरागढ़ के लिए लिखा गया है। कहते ना कि यही पर देवभूमि है,